इस दुनिया में कई विशाल समुद्र हैं, लेकिन एक समुद्र ऐसा भी है जहां एक बार कोई चला जाता है तो वहां से वापस नहीं आता। मैं बात कर रहा हूं बरमूडा ट्रायंगल की। ये इतना खतरनाक है कि यहां से जैसे ही कोई चीज गुजरती है तो वो गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि उसे आसमान निकल जाती है या समुद्र। आखिर क्या है बरमूडा ट्रायंगल? बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। ये मियामी, प्योर्टा रिचो और बरमूडा तीनों छोरों से मिलकर बनता है। एक बार यहाँ से कोई गुजर जाए तो उसका पता लगा पाना नामुमकिन है, इसीलिए इसे शैतानी त्रिकोण या तूफानी गली कहते हैं। ये जगह इतनी रहस्यमयी है कि यहाँ जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, यहाँ तक कि उनका मलबा तक नहीं मिलता। पानी का जहाज हो या हवाई जहाज, इस ट्रायंगल के पास से जो भी जाने की कोशिश करता है वो रहस्य बन जाता है। बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी सिरे से लगभग 5,00,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। आज तक यहाँ पर 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यहाँ पर हर साल लगभग 4 एयरक्राफ्ट और 20 पानी के जहाजे लापता हो जाती हैं। विमान लापता होने का पहला मामला 5 दिसंबर 1872 को सामने आया था। ये जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस जहाज का क्या हुआ और इसमें बैठे लोग कहाँ चले गए, इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया है। लापता होने का दूसरा मामला फ्लाइट 19 से जुड़ा है। कहते हैं फ्लाइट 19 यहीं से गायब हुई थी। 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 एवेंजर ट्रिपिडो बॉम्बर्स 90 मिनट के अंदर गायब हो गए थे। बताया जाता है कि रेडियो ऑपरेटर्स को पहले सिग्नल मिला कि उनके पास दिशा दिखाने वाली कंपास काम नहीं कर रही है, जिसके बाद उनका कम्युनिकेशन लिंक टूट गया, जिसके बाद इन बॉम्बर्स का कभी कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई प्लेन्स और समुद्री जहाज लापता होने के मामले सामने आए। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय इलाका माना जाता है। इस त्रिकोण को लेकर कई अफवाहें भी फैली हुई हैं। शुरुआत में माना जाता था कि यहाँ पर गायब होने वाले जहाज समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिए जाते थे, लेकिन ये अफवाह गलत साबित हुई। एक समय ऐसी भी अफवाह फैली कि इस जगह पर गायब होने के पीछे दूसरे दुनिया के लोगों का हाथ है। यहाँ तक कहा गया कि यहाँ पर उन लोगों का रिसर्च सेंटर है। कहते हैं बाहरी दुनिया के लोगों का आना एलियंस को पसंद नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन क्या है बरमूडा ट्रायंगल के पीछे का असली कारण? कई सालों तक वैज्ञानिक भी यहाँ जाकर रिसर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि जब भी वो यहाँ पर जाते तो तूफान का शिकार हो जाते। लेकिन आखिरकार उन्होंने इसका राज पता कर लिया। एक ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक ने बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे का रहस्य वहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन और ख़राब मौसम है। इसके वजह से अटलांटिक महासागर के उस हिस्से पे जो भी जाता वो गायब हो जाता। उन्होंने बताया कि वहाँ पर हाई मैग्नेटिक फील्ड भी पाई जाती है। वहीं दूसरा फैक्ट सामने आया, जब दक्षिण अफ्रीका से सैटेलाइट द्वारा पहली बार इस जगह की तस्वीर निकाली गई, यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें देखी गई जिनकी ऊंचाई 100 फीट से भी ज़्यादा थी। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मंडराने वाले कुछ बादल आम बादलों से बिल्कुल अलग थे। सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ दिखाया गया कि यहाँ पर मंडराने वाले कुछ बादलों का आकार हेक्सागोनल है। इन बादलों के नीचे 274 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्रता वाली तूफानी हवाओं का बवंडर होता है। वैज्ञानिक इस बवंडर को एयर बॉम्ब कहते हैं, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को खुद में समा लेता है। यही एयर बॉम्ब जब समुद्र से आकर टकराता है तो इसके वजह से ही समुद्र में ऊंची ऊंची खतरनाक लहरें उठती हैं। समुद्र में उठने वाली यही लहरें अपने आसपास की हर चीज को अपने आप के अंदर समा लेती है। जब कोई जहाज इस हवा के संपर्क में आता है तो वो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हालांकि आज भी वैज्ञानिक इसकी मिस्ट्री सुलझाने में लगे हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।